Hello friends, myself Manish, welcome to my YouTube channel Corpus Juris. आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में. ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब आया और क्या इसकी जो है विशेषताएं हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे. तो कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. तो चलिए देखते हैं कि ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट क्या है और किस तरह से जो है ये अस्तित्व में आया. सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की. तो भारत में जो है वो 1600 ईस्वी में जो है वो आया, ठीक है. वहाँ पे जो है ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो है व्यापार के मकसद से इस्टेब्लिश किया. उस समय जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर के द्वारा जो है व्यापार का विस्तृत वर्णन किया उस चार्टर में, जिसमें जो है कंपनी के क्या जो है अधिकार हैं और किस तरह से तौर तरीके रहेंगे कार्य करने के, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस किया गया था. उसके बाद जो उसमें एक और चीज़ था कि 1765 में जितने भी जो प्रेसिडेंशियल एरिया थे बंगाल वगैरह का, उन सबों के भी दीवानी अधिकार भी उसमें जिक्र किया गया था. तो बात करती हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है. इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व यह है कि सबसे पहले जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को जो है नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ये सबसे पहला कदम उठाया गया कि इस रेगुलेटिंग एक्ट को के द्वारा, ठीक है. अगर बात करें तो इसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट में जो है पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता दिया गया था और इसके द्वारा जो है भारत में केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी गई थी. अब हम जो है देखते हैं कि अधिनियम की क्या विशेषताएँ थी. कंपनी की जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है इसे पास किया गया था, इसकी कुछ विशेषताएं जो है यहाँ पर दी गई हैं. सबसे पहली विशेषता ये है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया. उनकी सहायता के लिए जो है इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया. ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है. यानी कि सबसे पहली विशेषता ये थी कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको अब एक अलग से जनरल पद दिया गया, यानी कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल उन्हें कहा जाएगा और उनके कार्यों को जो है संचालन के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी जो है टीम की गठन किया गया. और ऐसे में सबसे पहले गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स. अब कंपनी की जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी दूसरी विशेषता ये है कि इसके द्वारा मद्रास बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे. यानी कि जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर होंगे वो जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था. इससे पहले जो है वे एक दूसरे से अलग अलग थे. अब बात करें तीसरी विशेषता, तो अधिनियम के अंतर्गत जो है कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे. यानी कि इस अधिनियम की तीसरी विशेषता ये थी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 1774 में जो है एक उच्चतम न्यायालय की जो है कलकत्ता में गठन किया गया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था. चौथी बात यहाँ पे या चौथी विशेषता ये है कि जो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था. यानी कि जितने भी कर्मचारी थे कंपनी के वो निजी तौर, मतलब कई बार आगे देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ व्यापारी जो है ज़्यादा सोना वगैरह देख करके जो है वो अपना एक निजी तौर से व्यापार करना स्टार्ट कर दिए थे. और उसके बाद जो है फिर
तमाम तरह के जो है भारतीय लोगों से जो है रिश्वत वगैरह भी ले लिया करते थे। तो इन इसको जो है रोकने के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान बनाया गया था उसकी एक स्पेशल व्यवस्था ये थी कि इसको जो है मनाही किया गया था कि ऐसा नहीं करना है, या स्पेशल कोई या निजी तौर पर जो है व्यापार नहीं करना है, और न ही भारतीय लोगों से जो है किसी प्रकार का उपहार या रिश्वत लेना है। अब बात करें पांचवा जो इसकी विशेषता है इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की ये गवर्निंग बॉडी है, इसके माध्यम से जो है कंपनी पर जो है कंट्रोल रखने के लिए इस बॉडी का गठन किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, ताकि वो अच्छी तरीके से जो है देख रेख करें कंपनी को और उसका संचालन जो है पूर्ण रूप से हो। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। यानी कि जितने भी जो राजस्व है, जो भी टैक्स वगैरह आता था, रेवेन्यू आता था, ठीक है, उसकी और जो सैन्य मामलों की जानकारी थी उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना आवश्यक कर दिया गया था इस अधिनियम में प्रावधान करके। तो इस अधिनियम में जो है मुख्यतः ये पांच विशेषताएं थी। और क्यों अधिनियम में ये रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया गया, क्योंकि उस समय जो है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेब्लिश हुआ 1600 में, तो आगे चल करके जो है कुछ ब्रिटिश जो है यहाँ पे जो है धन और दौलत देख करके जो है वो निजी तौर पर व्यापार करना स्टार्ट कर दिए, और कि जितने भी भारतीय थे उनको जो है किसी तरह से हड़प करके या किसी तरह से वो अपना विशेष ध्यान देने लगे, और वहाँ यहाँ से धन इकट्ठा करके वो वहाँ पे लेके जाने लगे। तो ऐसे में सारे लोग यही सोचने लगे लगभग, तो कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लगी, और फिर देख करके जो है ये आगे ये सारी चीज़ें व्यवस्था बनाया गया, प्रावधान किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और इसके जो है हमने विशेषताएं बताई हैं, तो आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आया होगा। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके जो है वहाँ से बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल में नए व्यूज़ हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ये भी कमेंट करें कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।